तुम मेरी प्रॉब्लम जानना चाहते हो? एक ऐसी दुनिया में रहना जहां मेरे सोचने और करने में बहुत फर्क है, एक ऐसी दुनिया जहां कोई बने बनाए नियम नहीं है। एक मेन प्रोटैगनिस्ट जो डिप्रेस्ड है, वो समाज में खुद की पहचान क्या है, वो कौन है, वो क्यों है, इन सवालों से जूझ रहा है। अंत में वो बंदूक उठा लेता है और खुद को डिप्रेशन में आकर गोली मार देता है। साउंड्स बोरिंग, बट फैक्ट ये है कि ये एक सेंट्रल प्रीमाइस है 2019 टॉड फिलिप्स डायरेक्टेड जोकर का और मार्टिन स्कॉर्सेज़ मैग्नम ओपस टैक्सी ड्राइवर का। बट एट द एंड ऑफ दिस फिल्म ये जो दो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो बंदूक तो जरूर उठा लेते हैं बट गोली दूसरे पे चलाते हैं, बट नॉट इन दिस मूवी। सईद अख्तर के 1978 डायरेक्टोरियल अरविंद देसाई की अजीब दास्तां ये हमें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, इस स्टेट ऑफ माइंड को अलग तरह से एक्सप्लोर कराती है, एक अलग अंदाज में। अरविंद देसाई की ये दास्तां क्या हो सकती है? दो चीजें हो सकती हैं। एक तो टाइटल से आपको पता चलेगा, एक कैरेक्टर होगा उसका नाम होगा अरविंद देसाई, उसकी दास्तान अजीब होगी। वजह है क्यों? वो अपने आप अंदर पे गौर करना, टू लुक एट योरसेल्फ, अपने आप को देखना आईने के सामने कि आप क्या हैं और क्या बनना चाहते हैं। ये एक बहुत ही इमोशनल पर्सनल सवाल है जो हम अपने आप से हर बार पूछते रहते हैं और इसका जवाब हमें बहुत बार एक हमारे अंदर के सन्नाटे के रूप में मिलता है, एक ऐसा सन्नाटा जहाँ पे हमारे सवाल ही हमारे अंदर गूंजता रहता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्यों हूँ। अरविंद देसाई की अजीब दास्तां हमें इसी सवाल के जवाब के अलग अलग पहलू के ऊपर गौर कराती है। ये फिल्म में हमें अरविंद देसाई के लाइफ में आने वाले इंसिडेंट से ज्यादा अरविंद देसाई के लाइफ में आने वाले किरदारों से, उनके आइडियोलॉजी से, उनकी विचारधाराओं से हमें अरविंद देसाई के कैरेक्टर का रिफ्लेक्शन देखने मिलता है। हमें अरविंद देसाई के लाइफ में आने वाले कैरेक्टर्स में अरविंद देसाई के अंदर के सेल्फ डाउट, सोशल एंग्जाइटीज महसूस होता है, ड्यू टू विच जब भी इस फिल्म में अरविंद देसाई किसी कैरेक्टर के साथ इंटरेक्ट करता है तो इनडायरेक्टली वो अपने उस सोशल एंजाइटी, अपने उस सोशल प्रॉब्लम के साथ इंटरेक्ट करता है। मूवी अपने मेटाफोरिक फ्रेम से हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के सोशल आइसोलेशन को बहुत ही बखूबी से दिखाती है। एक की सिमिलैरिटी जो मैंने ट्रैविस बिकल और अरविंद देसाई में नोटिस की है कि दोनों को वो जिस सराउंडिंग में रहते हैं, वो जिस सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, उसके बारे में कंप्लेंट्स है। I hate it. Whatever it is, you should clean up this city here because this city here is like an open sewer, you know, it's full of filth and scum. But जहाँ पे ट्रैविस बिकल अपने सोसाइटी में चेंज लाने के लिए वो खुद स्टैंड लेता है, वो कुछ करना चाहता है, as compared to अरविंद देसाई वैसा कुछ नहीं करता। इसका एक रीजन है कि टैक्सी ड्राइवर इस मूवी में हमें ट्रैविस बिकल के अंदर वो सोसाइटी के रिलेटेड जो गुस्सा है वो पाइल अप होते हुए दिखाया गया है, बट एज कम्पेयर टू अरविंद देसाई जैसे जैसे मूवी फॉरवर्ड मूव होती है हमें वो गुस्सा नहीं बल्कि अरविंद देसाई के सेल्फ डाउट्स और एंजाइटी को इंक्रीज होते हुए दिखाया है। और जब अरविंद देसाई अपने आप को प्रॉपरली समाज में देख नहीं पाता, अपने आप को समझ नहीं पाता, वो अलग ही मेंटल साइकिक में चले जाता है जिसे ही हम कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, ड्यू टू विच वो बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाता है। और एक की एलिमेंट जो मैंने इन तीन डाइवर्स कैरेक्टर्स में नोटिस किया है, लाइक ट्रैविस बिकल, आर्थर फ्लेक और अरविंद देसाई, वो है लोनलीनेस। जहां आर्थर फ्लेक अपने अंदर के कियोस को उसके समाज में प्लेस करके सो कॉल्ड अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को सॉल्व करता है, एंड सो वॉट टैक्सी ड्राइवर में ट्रैविस बिकल अपने उस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए अपने सोसाइटी में चेंज लाता है। अरविंद देसाई की अजीब दास्तान की स्टोरी ये पहलू को बहुत ही ग्राउंडेड में प्रेजेंट करती है। अरविंद देसाई अपने इस लाइफ फॉर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के इल्यूजन में हमेशा के लिए गुम हो जाता है। ट्रैविस बिकल, अरविंद देसाई और आर्थर फ्लेक में हम उस कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम उनके लिए सिंपैथी और एम्पैथी दोनों में से कुछ फील करने लगते हैं। बट बात रही अरविंद देसाई की, हम
जो सिंपैथी और एम्पैथी का कॉलम है वो हम इतने बारीकी से फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एज सेड बाय सईद अख्तर मिर्जा, अरविंद देसाई एक अलग सोशल स्टार्टा से बिलोंग करता है जिसके साथ हम खुद को कनेक्ट नहीं कर पाते। बट यू नो, इस फिल्म के कुछ पोर्शंस है जहां पे हमें उसकी थिंकिंग, उसका साइकोलॉजिकल स्टेट अपने आप से थोड़ा रेलेवेंट लगने लगता है। इसलिए आई थिंक ये जो सोशल ड्रामा है जो इंडियन सिनेमा में है, ये बहुत ही रेयर पीस है और बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया गया। एज अ व्यूअर हम देख पाते हैं कि हाउ अरविंद देसाई अपने समाज को समझ नहीं पाता है। खास बात यह है कि अरविंद देसाई किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होता है, ना ही किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को अंजाम देता है, क्योंकि ये फिल्म किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में है ही नहीं। कॉन्ट्रेरी टू विच, जोकर एंड टैक्सी ड्राइवर, एक कॉन्फ्लिक्ट को अंजाम देकर उसमें शामिल होना ये अरविंद देसाई के कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं है, बल्कि ये फिल्म एक पर्सन है उसके टिपिकल एबनॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड के बारे में है, जो जोकर भी है और टैक्सी ड्राइवर भी है। बट एज आई सेड, वो एक कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होकर वो फिल्म एक अलग राह पे चली जाती है। एंड अगर देखा जाए तो अरविंद देसाई के पास, इवन दो उसके पास अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, वो उसकी ब्रिंगिंग अप भी बहुत अच्छी है, फिर भी वो अपने लाइफ के साथ कुछ नहीं कर पाता। और देखा जाए यही तो है द बिग इंडियन जोक। और आई थिंक इसलिए ये फिल्म मुझे आज के जमाने से बहुत ज्यादा रेलेवेंट लगती है, क्योंकि आज के जमाने में भी, आज के इस पीरियड में भी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एस ट्रेविस बिकल आयरिस को बचा के अपने लाइफ का मोटिव हासिल कर लेता है और आर्थर फ्लेक अपना एग्जिस्टेंस एस्टैब्लिश कर लेता है, अरविंद देसाई अपने इस मोटिव को कभी भी क्लैरिफाई ही नहीं कर पाता। इसकी वजह से इस फिल्म का एंड एज कम्पेयर टू जोकर और टैक्सी ड्राइवर बहुत ही अलग होता है। और ये मूवी सच में बहुत ही अच्छी बनाई गई है, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर ऐसे फिल्म बनाना, और वो भी इन 1978, इट्स अ वेरी कूल थिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में विथ अ न्यू टॉपिक। थैंक यू।